हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन इन एन इलास्टिक कोलिशन। सो बच्चों, कंसीडर करना है हमें मिनिमम दो बॉडीज के बीच में एक इलास्टिक कोलिशन। अब जब इलास्टिक कोलिशन को हम डिस्कस करते हैं तो लेट्स वी ड्रॉ द फिगर। हमारे पास दो बॉडीज हैं, फर्स्ट का मास है m1 और सेकेंड का मास है सपोज m2। फर्स्ट की इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड सेकेंड की इनिशियल वेलोसिटी है u2। अब बच्चों मान लेते हैं कि m1 इज लेस देन m2, m1 लाइटर है, तो इट मीन्स u1 विल बी मोर देन u2। तो दोनों बॉडीज कोलाइड हो जाती हैं और अब हमें बताना है कि इस कोलिजन को अगर हम इलास्टिक अज्यूम करें तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सो बच्चों, इलास्टिक कोलिजन में हमारे पास में लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। एज वी नो द सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग आर जीरो, एज वेल एज जो टोटल काइनेटिक एनर्जी रहती है दोनों बॉडीज की वो भी कंजर्व रहती है। सो मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों ही कंजर्व रहती हैं। सो वी कैन हैव करेक्ट आंसर एज ऑप्शन ए। थैंक यू।